श्रीमान बेतार, मेरा उत्तर इस प्रश्न में है कि क्या सम्राट विक्रमादित्य का परोपकार व्यर्थ चला गया? और आप ही ने मुझसे कहा कि सम्राट विक्रमादित्य इस विश्व में किसी भी चुनौती से परास्त नहीं हो पाए, तो फिर वो इस चुनौती से कैसे पराजित हो सके? राजन, जब आप मेरे मित्र की प्रशंसा करते हैं ना, तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु जब आप मेरे मित्र के सिंहासन को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो आप मुझे एक हिंसक, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं रक्षक बनकर इस सिंहासन की रक्षा करता हूँ, और अगर कोई इसे हथियाने की कोशिश करे तो मुझे क्रोध आ जाता है, और जब मुझे क्रोध आ जाता है तो मैं तिलमिला उठता हूँ, और मैं जब तिलमिला उठता हूँ तो मैं शेर का रूप ले लेता हूँ। श्रीमान बेताल, मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ शेर का रूप ही धारण नहीं कर लेते, बल्कि आप हृदय से भी बिल्कुल शेर, शेर की तरह निडर, शेर की तरह अडिग, और शेर की तरह खूंखार भी। लेकिन श्रीमान बेताल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी सौंदर्य लेखा आती हैं आप कुछ डर से जाते हैं? मतलब वैसे तो आप शेर हैं, लेकिन जब वो आती हैं तो आप चूहे में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कहता है, कौन कहता है ये? वो तो स्त्री है ना, तो उसका सम्मान करता हूँ, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, इसीलिए मैं भी कर देता हूँ। वरना डरती वो है मुझसे राजन, डरती है बहुत। क्या बात कर रहे हैं? मेरे सामने आते ही उसकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं उसके, त्राहिमाम त्राहिमाम करके भागती है। मतलब डरती आपसे वो है? सच में? क्या बात है श्रीमान बेटा। निसंदेह मैं तो ये कहूंगा कि आप पुरुष जाति के लिए एक उदाहरण है, बिल्कुल सशक्त उदाहरण। अच्छा श्रीमान बेताल, वैसे तो सौंदर्य लेखा किष्कंधा पर्वत में जाप के लिए गई, लेकिन मान लीजिए कि यदि सौंदर्य लेखा इस समय ठीक आपके पीछे हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मतलब शेर बने रहेंगे या फिर चूहे में परिवर्तित हो जाएंगे? राजन, आप बड़े मजाकिया हैं। पीछे क्या, वो अगर मेरे सामने होती तो सामने सामने बात होती, और अगर वो पीछे भी होती तो मैं पीछे घूमता और कहता। कहिए। क्या कहते? मैं कहता कि सौंदर्य लेखा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा श्रीमान बेताल, अरे श्रीमान बेताल, आप ठीक हैं? वैसे आपको देखकर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि सिर्फ मनुष्य नहीं, बेताल भी स्त्री के वश में ही रहते हैं। वैसे आप अभी ठीक तो हैं? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज। ये जो कुछ भी आपने देखा, ये मेरा स्त्री के प्रति सम्मान था। ऐसे में सम्मान करता हूँ स्त्रियों का। खैर, आप ये सब छोड़िए, हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप क्या बता रहे थे महारानी के बारे में? मैं ये कह रहा था श्रीमान बेटा, इस अतित्व स्त्री का एक ऐसा बल है जिसे कोई भी नहीं छल कर सकता, और देवी रागेश्वरी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है, इसलिए वो कभी भी तक्षक के षड्यंत्र में शामिल नहीं हुई। तो फिर वो क्यों तक्षक का साथ दे रही थी? क्यों अपनी इच्छा से तक्षक से विवाह कर रही थी? क्या कारण था इसका? इसका कारण था सम्मोहन। तक्षक ने उन पर सम्मोहन कर दिया था, इसलिए उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई। हमारा संदेश सही निकला, देवी रागेश्वरी पूरी तरह तक्षक की सम्मोहन में है, तभी तो बिना पलक झपकाए पत्थर की बूंद बनी है। अब आप दोनों को फेरों के लिए उठना पड़ेगा। ये सात फेरे पूरे होते ही आप दोनों पूर्ण रूप से पति पत्नी हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये सात फेरे पूरे हो, हमें देवी रागेश्वरी का सम्मोहन तोड़ना होगा। तो राजन,
महारानी सम्मोहित हैं। ये बात तो मेरे मित्र को पता चल गई, लेकिन उस सम्मोहन को तोड़ना कैसे है, ये उन्हें कैसे पता लगा होगा, ये बताइए आप, वो भी अभी तुरंत। श्रीमान बेताल, ये बात तो जनसाधारण जानता है, यदि जिस व्यक्ति पर सम्मोहन हुआ हो, यदि वो धातु के बर्तन में स्वयं को देख ले तो सम्मोहन टूट जाता है, और अवश्य चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को यह विधि पता हो, और उन्होंने इस विधि का ही इस्तेमाल किया। अब आप लोग फेरे लेने के लिए खड़े हो जाइए। ये सब क्या है? मैं यहाँ कहाँ हूँ? क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? हम आपके होने वाले पति हैं देवी, बस एक बार फेरे हो जाए, फिर हम सदा सदा के लिए विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। विवाह रचाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? उस सुहागल से जिसकी मांग में पहले से ही उसके पति के नाम का सिंदूर चमक रहा है, जल जाएगा तू उसकी मांग के सिंदूर से, भस्म हो जाएगा तू। आज इस शुभ अवसर पर आप कैसी अशुभ बातें कर रही हैं देवी? चलिए हमारे साथ फेरे लेने हैं। तक्षक, ये सब क्या है? ये इसका सत्य है नागराज। नामदेव से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसका रूप धारण किया, ताकि महारानी रागेश्वरी को बंदी बनाकर उसका अपहरण कर सके, और फिर उसे सम्मोहित करके उसे विवाह करना चाहा। यही उसके छल का प्रमाण है। आपने नागलोक को कलंकित होने से बचा लिया सम्राट, आपका बहुत बहुत आभार। प्रभु, तूने हमारी लाज बचा ली। तक्षक, कहाँ जा रहे हो? तक्षक रुको, तक्षक रुक जाओ, तक्षक रुको, तक्षक। श्रीमान बेताल, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजन। मैं तो अपने मित्र सम्राट विक्रमादित्य को नमन कर रहा हूँ। देखा आपने, उन्होंने सिर्फ नामदेव के प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि सती के सतीत्व की भी रक्षा की। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, सम्राट विक्रमादित्य की जय। महाज्ञानी महाप्रतापी विक्रमादित्य की जय। मेरे परम मित्र की जय। उनके सिंहासन की जय। और अब मेरे साथ बोलिए मुझे, बोलिए मुझे, मुझे सिंहासन, सिंहासन चाहिए? चाहिए बिल्कुल नहीं। बोलिए श्रीमान बेताल, आप प्रणाम कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य को, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपकी चतुराई को। आपसे अधिक चतुर मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। ठीक है, आपका प्रणाम मैंने स्वीकार कर लिया। अब मुझे ये बताइए राजन, कि राम के कुल का वंशज होते हुए भी, इंद्रदेव का परम मित्र होते हुए भी, तक्षक क्यों अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था? श्रीमान बेताल, कभी कभी मनुष्य के जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है जो उससे भूले नहीं भूलती, और ऐसी घटना मनुष्य के भीतर एक गांठ बन जाती, और ऐसी ही एक घटना कारण थी तक्षक के अधर्म के मार्ग पर चलने की। महाभारत काल में जब पांडवों के लाक्षाग्रह में आग लग गई थी, तब उस आग के कारण पूरा जंगल जल उठा था। उस जंगल के जीव जंतुओं के साथ साथ उसमें तक्षक की मां की भी मृत्यु हो गई, और उसकी मां की इसी मृत्यु ने
उसे मनुष्यों का घोर विरोधी बना दिया था। ज्ञान तो है आप में। धन्यवाद। परंतु मेरे जितना नहीं है। राजन देखिए, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है और फूटता भी है। उसी तरह तक्षक के पापों का घड़ा भर चुका था। तक्षक, तुमने घोर अपराध किया है, तुम दंड के भागी हो। नागराज, तक्षक का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। महारानी रागेश्वरी के साथ इसने छल किया है। सम्राट विक्रमादित्य, आपका न्याय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस विश्वासघाती का न्याय भी आप ही करें। तो ये तुच्छ मानव करेगा तक्षक का न्याय, जो इस तक्षक के सामने एक कण के बराबर भी नहीं है। विक्रमादित्य, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कौन मरेगा और कौन मारेगा तक्षक, ये समय पे छोड़ता हूं। जा, छोड़ दिया निर्णय समय पर। आ, युद्ध कर मुझसे। यदि तुझे न्याय प्रिय है तो कार स्वीकार चुनौती। पाप के अंत के लिए इस पापी की चुनौती भी स्वीकार है। तो ठीक है, आ जा मेरे मौत के अखाड़े में। आ, आ, आ। विक्रमादित्य, तूने बहुत बड़ी गलती की है जो मेरी चुनौती को स्वीकार किया है। मेरी चुनौती को स्वीकार करने का मतलब है अपने ही हाथों से अपनी चिता को सजाना। तेरा अंत अब निकट आ चुका है विक्रमादित्य। अब तू भस्म होगा मेरे विष से। अब देख मैं तुझे कैसे राख बनाता हूं। तू तक्षक को दंडित करने चला था, उस तक्षक को जो मनुष्यों का साक्षात्काल है। विक्रमादित्य के साथ साथ पूरी मनुष्य जाति भी यह सुन ले कि तक्षक को कोई भी दंडित नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं और कभी भी नहीं।
अपनी भूल स्वीकार कर लो तक्षक, इसी में तुम्हारी भलाई है। विक्रमादित्य, तुम मेरी भलाई के बारे में नहीं अपनी भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि प्राणी सदैव अपने बारे में ही सोचता है। मुझे कोई मानव कभी पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी इस पराजय का मूल कारण तुम्हारा पाप है तक्षक, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तक्षक, तुमने हमेशा मनुष्यों के साथ छल किया है, उन्हें कष्ट दिया है, इसीलिए तुम्हारा न्याय भी एक मनुष्य ही करेगा। न जाने कहां होगी महारानी, किस अवस्था में होगी। महाराज, महाराज। महारानी आप आ गई, आप कुशल तो हैं। सम्राट आप शुभ समय पर आए। देखिए देखिए महारानी आ गई। नहीं महाराज, हम स्वयं नहीं आए, सम्राट विक्रमादित्य हमें लाए हैं। महाराज, यदि ये ना होते तो हम आपके पास वापस कभी ना लौट पाते। धन्यवाद सम्राट, मैं तो आपके उपकार के सामने बोना हो गया। आपने तो मुझे अपना रेडी बना। नहीं नहीं महाराज, मनुष्य कभी मनुष्य का ऋणी नहीं होता। अगर आपको ऋणी होना है तो उस परमपिता परमात्मा का होना चाहिए जिसने हमसे ये उपकार करवाया। आपके इस धूमिल संसार को हरा भरा बनाने के लिए हमारा सहयोग किया और इस कर्तव्य का पालन करने की शक्ति दी हमें। किंतु ये सब हुआ कैसे, किसने किया ये सब? महाराज, ये सब इसने किया है महाराज। हाँ महाराज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।